हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि मैप एनिमेशन के ऊपर वीडियो लेकर के आएँ, तो ये वीडियो आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर है। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मैप एनिमेशन के, हम आफ्टर इफेक्ट के अंदर मैप एनिमेशन कैसे बनाएंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं कुछ इस टाइप का एनिमेशन। तो फ्रेंड्स, ये मैप एनिमेशन हमने टोटल आफ्टर इफेक्ट में बनाया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम सीखते हैं कि ये इस तरीके का मैप एनिमेशन हम कैसे बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें सबसे पहले जो है अपना कंपोजिशन क्रिएट करना है। तो यहाँ पे 1920x1080p हम ले रहे हैं, 30fps पे हमने यहाँ पे सेट कर लिया है। और यहाँ पे हमको सबसे पहले चाहिए एक मैप। तो मैप के लिए हम कुछ भी डाउनलोड, मतलब आप जो भी मैप बनाना चाहते हैं आप वो उस मैप को ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक मैप ले लेते हैं। तो सिंपली हम गूगल से एक मैप निकाल लेते हैं, हम एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो इंडिया में हम मैप लेते हैं, MP से ले लेते हैं मैप। तो हम यहाँ पर 2-3 पॉइंट ले लेते हैं एनिमेट करने के लिए, कि हमको बनाना है इंदौर से। पहले बनाते हैं हम उज्जैन, इंदौर से उज्जैन जाएंगे, फिर उज्जैन से जाएंगे हम भोपाल, भोपाल से जाएंगे हम सागर। तो ऐसे कुछ हम 2-3 पॉइंट ले लेते हैं बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम सिंपली इसका स्क्रीनशॉट एक ले लेते हैं, स्निपिंग टूल से हम डायरेक्टली एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं मैप का। तो इसको हम लेते हैं कुछ इतने साइज़ का, इस साइज़ का हमने मैप ले लिया है, इसको हम सेव कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैप हमने इंपोर्ट कर लिया है। तो अब यहाँ पे हमको 2-3 पॉइंट को कवर करना है, जैसे कि हम यहाँ पे इसमें कवर करने वाले हैं। आप आपके केस में कुछ भी कवर कर सकते हैं, बट इस केस में हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं इंदौर से हम करने वाले हैं उज्जैन, यहाँ से ऐसे उज्जैन कवर करेंगे, फिर उज्जैन से कवर करेंगे भोपाल, और फिर भोपाल से कवर करेंगे हम, भोपाल से जाएंगे हम सागर। तो ये 4 पॉइंट को हम कवर करने वाले हैं। तो देख, चलिए यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं कि कैसे हम एनिमेट करने वाले हैं उसको। तो सबसे पहले हमको एनिमेशन के लिए यहाँ पे हमको लगेगा पेन टूल। तो पेन टूल पे जाएंगे हम यहाँ पे। तो पेन टूल पे हमको एक शेप, यानी जो पाथ है वो हमको ड्रॉ करना होगा कि हम किस किस जगह से होते हुए जाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंदौर से। तो यहाँ हमें सिंपली एक पाथ क्रिएट करना है हमको। तो हम यहाँ पे आएंगे अभी, कहाँ, उज्जैन आएंगे। इसकी स्ट्रोक हम कम कर लेते हैं, फिल हम बंद कर देते हैं। उज्जैन के बाद में हमको आना है भोपाल। तो यहाँ पे क्लिक कर लेंगे पॉइंट में, हम आएंगे भोपाल, भोपाल के बाद जाएंगे हम सागर। ठीक है, अभी इसको हम सही कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। हमको एक चीज़ और रिक्वायरमेंट रहेगी। तो यहाँ पे हमने एक आइकन, लोकेशन वाला जो आइकन है वो भी डाउनलोड कर लिया है, तो उसको भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो अब सिंपली क्या करेंगे कि हम अपने पाथ को जो है स्मूथ कर लेते हैं, जैसा हमको एनिमेशन चाहिए। अच्छा, तो उस हिसाब से हम इसको यहाँ पे स्मूथ कर लेते हैं। तो यहाँ पे इनसे आप, इनको जो ये बार हैंडल हैं, तो इससे आप इसको स्मूथ कर सकते हैं। आप और अल्ट प्रेस करके किसी भी बार हैंडल को आप पकड़ेंगे तो केवल वो बस मूव करेगा। इसकी जो पोजीशन है कुछ इस तरीके से हमने रख ली है, आप आपके हिसाब से भी देख सकते हैं। और यहाँ पे जो कलर है इसका, कलर ये थोड़ा सा दब रहा है क्योंकि ऑलरेडी बैकग्राउंड में भी येलो कलर यूज़ हुआ है, तो इसलिए हम इसको कर देते हैं रेड कलर। रेड कलर विजुअल भी अच्छा होगा और थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगेगा। ठीक है, इसका जो स्ट्रोक है हम थोड़ा सा कम कर लेंगे, इसको कर देते हैं 7। हाँ, ऑलमोस्ट ये सही लग रहा है हमें। तो अब इसको एनिमेट करने के लिए हमको, हम लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, जो शेप लेयर है हमारी, जो अभी हमने पाथ क्रिएट किया है, इसमें क्लिक करेंगे। देन इसमें जाएंगे हम ऐड में, इसके बाद जाएंगे हम ट्रिम पाथ में। ट्रिम पाथ में जाने के बाद में यहाँ पे एरो बटन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमको की लगाने के लिए आ जाएगा कि हमको की कहाँ पे लगानी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, इसको 0 कर देंगे और यहाँ पे एक की लगा देंगे। तो हम 1 सेकंड पे चलते हैं और यहाँ पे हम पहली इसको थोड़ा सा ले जाएंगे कहाँ, उज्जैन तक। ठीक है, उज्जैन तक पहुँचने के बाद में हम यहाँ पर इसको 1 सेकंड का पॉज देंगे, यहाँ पर भी हम ब्लैंक की लगा देंगे। देन इसके बाद में हम चलेंगे अगले 2 सेकंड का पॉज लेते हैं क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे हम 2 सेकंड का पॉज लेते हैं और चलेंगे हम भोपाल। ये हम भोपाल पहुँच गए,
बैठे बैठे हम भोपाल पहुंच गए। अब यहाँ पे एक सेकेंड का पॉज लेंगे, अब यहाँ पे भी ब्लैंक की पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो जो की अभी ऑलरेडी है तो वही एक की यहाँ पे लग जाएगी। देन हम 2 सेकेंड का पॉज लेंगे, चलते हैं अगले 7 सेकेंड पे, फिर यहाँ पे चलते हैं हम सागर। तो यहाँ पे फुल कर दिया हमने, 100% कर दिया, क्योंकि यहाँ तक का हमारा पाथ था, क्रिएट किया था हमने, तो यहाँ पे 100% कर दिया। यहाँ पे हम यदि एनिमेट को देखेंगे कैसा हुआ हमारा एनिमेशन, तो ये इस टाइप से कुछ एनिमेशन हुआ हमारा। फिर ये यहाँ से भोपाल पहुँच गए हम, और यहाँ से फिर पहुँच गए सागर। अब क्या करेंगे हम कि इसको अपने हिसाब से एनिमेट करेंगे। अभी टाइमिंग देखेंगे हम, टाइमिंग क्या सही है ये, यदि टाइमिंग हमको सही लग रही है तो फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो टाइमिंग हम चाहें तो बढ़ा सकते हैं। तो टाइमिंग बढ़ाने के लिए हमको ये कीज़ को आगे पीछे करना होगा। अब हम क्या करते हैं कि इसको और रिफाइन करने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे शेप लेयर पर, और स्ट्रोक पर जाएंगे, और इसको राउंड कैप कर देंगे हम। अब आपने एक चीज़ नोटिस की कि यहाँ पर जो एजेस हैं, आप यहाँ पर देखिएगा जो ये एजेस हैं, तो यदि हम इसको बट कैप में था तो ये देखिए यहाँ पे पूरा कट ऐसे दिखाई दे रहा था, हमने राउंड कैप कर दिए तो वो थोड़ा सा राउंड हो गया, जो देखने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अब हम क्या करेंगे इसके लिए कि यहाँ पे हम जाएंगे, ये जो डैशेस दिखाई दे रहे हैं आपको, तो यहाँ पे प्लस वाले साइन पे आप क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे जो डैश है इसको जो साइज़ है वो बढ़ा देंगे आप। तो ये देखिए समथिंग कुछ हम इतना रखते हैं, ठीक है। और हम फर्स्ट फ्रेम पे आएंगे यहाँ पे 0 पे, और यहाँ पे जो ऑफसेट है यहाँ पे की लगाएंगे, और लास्ट फ्रेम पे आ जाएंगे, और इस ऑफसेट को माइनस पे आप देख लीजिए एक बार कि किस साइड जा रहा है ये। तो हम लेफ्ट से राइट साइड जा रहे हैं, तो इसको हम जस्ट उल्टा कर देते हैं। यहाँ पे मैंने एक की फ्रेम लगा दिया माइनस, आप देख लीजिए कितनी स्पीड में आपको रखना है। तो ये एक मूविंग एनिमेशन यहाँ पे हमारा जो है एलिमेंट क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे अब हम आगे की साइड जा रहे हैं, तो इसमें दिखाई दे रहा है कि हाँ हम आगे की साइड जा रहे हैं। तो ये हमारा जो पाथ है वो ऑलमोस्ट क्रिएट हो चुका है। अब हम यहाँ पे बनाने वाले हैं जो लोकेशन वाले जो आइकन है, तो ये हम यहाँ पे दिखाने वाले हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसको हम इम्पोर्ट कर लेते हैं नीचे। अब इसका जो साइज है वो एडजस्ट कर लेते हैं, साइज कितना रखना है हमको, तो साइज़ समथिंग हम इतनी रख लेते हैं। और इसका जो एंकर पॉइंट है ये आपको नीचे की ओर रखना है, क्योंकि नीचे से ऐसे वो ऐसे पॉपअप टाइप से आएगा, तो वो हम देख लेंगे। और इसका एनिमेट करेंगे हम 15 फ्रेम पे, मतलब हम इसको एनिमेट करेंगे, पॉपअप करेंगे। तो ये हम 15 फ्रेम पे आ जाते हैं, और इसके स्केल पे एक की लगाते हैं, और 0 फर्स्ट फ्रेम पे हम 0 की लगा देंगे। तो ये देखिए, तो इसको हम F9 कर देंगे, F9 से शॉर्टकट है यानी ईजी इसका। तो ये देखिए हमारा जो एनिमेशन है इस टाइप से क्रिएट हुआ है। इसको थोड़ा सा और स्मूथ करने के लिए हम यहाँ पे आएंगे, ये देखिए की सिलेक्ट करेंगे पहले हम, और फिर यहाँ पे ग्राफ वाले सेक्शन पे आएंगे। तो ग्राफ एडिटर में आके आगे आप यहाँ पे एडिट स्पीड ग्राफ कर लीजिएगा, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपको दिखाई देने लग जाएगा। थोड़ा सा इसको हम आगे की साइड में ड्रैग कर देंगे। अब देखते हैं हम इसको एनिमेशन, ये अब थोड़ा सा और भी ज़्यादा स्मूथ एनिमेशन यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे कि हमारा जो मैप एनिमेशन है उसको थोड़ा सा पीछे करेंगे हम, कि पहले हमारा ये पॉपअप आए लोकेशन वाला ये, फिर इसके बाद में यहाँ से हमारा जो मैप एनिमेशन है वो स्टार्ट हो, ये करेंगे। अब जैसे उज्जैन पहुंचता है तो उज्जैन में भी आना चाहिए, तो इसकी हम डुप्लीकेट की लगा ले, डुप्लीकेट कर लेंगे, और यहाँ पे आ करके कहाँ पे उज्जैन पहुंच रहा है, तो ये पहुंचता है उज्जैन इस पॉइंट पे, तो यहाँ तक हम ले आएंगे इसको, और यहाँ पे इसकी जो पोजीशन है वो सही कर लेंगे हम, इसको उठा करके उज्जैन के पास रख देंगे। तो ये देखे, और ये हुआ, फिर इसके बाद में ये पहुँचे भोपाल, तो इसकी फिर एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेंगे हम। और इसके लिए आप यहाँ पे इसको ओपन कर सकते हैं। अब इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं, भोपाल पहुँच रहे हैं हम इस लोकेशन पे, तो यहाँ पे इसको उठा करके हम भोपाल के पास रख देंगे। अब इसके बाद में ये आगे जाते हैं, आगे पहुँचते हैं हम, तो यहाँ पे इसका फिर से एक डुप्लीकेट बना लेंगे, और ये लोकेशन को ले जाएंगे हम सागर के पास में। तो चलिए अब हम एनिमेशन जो है अपना देखते हैं कि हमारा एनिमेशन कैसा क्रिएट हुआ है। ये एनिमेट हुआ उज्जैन पहुँचे, फिर इसके बाद में हम पहुँचे भोपाल, फिर इसके बाद हम पहुँचे सागर। तो ये हमारा जो एनिमेशन है इस टाइप से क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छा इफ़ेक्ट वगैरह आ जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें
जो शेडो है वो लगा देंगे हम, तो ड्रॉप शेडो का यूज़ करेंगे, तो थोड़ा सा कुछ एक इफेक्ट आएगा, थोड़ा सा एक डेप्थ क्रिएट हो जाएगी, तो वहाँ पे थोड़ा सा हमें और थोड़ा सा ये देखने में लुक वाइज इंटरेस्टिंग लगेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसकी थोड़ी सी डिस्टेंस जो है बढ़ा देंगे, समथिंग 10 कर देते हैं, 10 में थोड़ा सा कुछ इस टाइप से हमको थोड़ा सा ड्रॉप शैडो दिखाई दे रही, तो यहाँ पे एक डेप्थ क्रिएट हो रही है, तो ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा 3D इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये देखें हमारा जो एनिमेशन है, एक सिंपल एनिमेशन जो एक बेसिक एनिमेशन जो होता है, बेसिक मैप एनिमेशन जो होता है, वो हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। तो आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा और चीज़ें एडवांस कर सकते हैं। अब जैसे कि एडवांस करने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि इसको आप थोड़ा सा 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं, कि यदि आप इसको 3D में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमको एक सिंपली कैमरा एक ऐड कर लेना है और इन सभी लेयर्स को 3D करना होगा, आपको जितनी भी लेयर्स हैं इन सभी को 3D करना होगा। अब आपको क्या करना है, कैमरा आपने ले लिया है, एक और हम नल लेयर ले लेते हैं जिसके थ्रू हम इसको कैमरे को एनिमेट करेंगे। तो कैमरे को हम पेरेंट कर देंगे नल लेयर से और इसको थोड़ा सा हम स्केल कर लेंगे। तो अब इसमें थोड़ा सा उल्टा जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, आप बढ़ाएंगे स्केल तो इसमें छोटा होगा और माइनस करेंगे तो बड़ा होगा। तो हमने यहाँ पे माइनस किया हुआ है तो इस कारण से जो बड़ा हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा रोटेट कर लेंगे ताकि एक 3D, इसको भी लेयर को हमको 3D करनी पड़ेगी। अब इसको हम थोड़ा सा लेयर को हम 3D करने के बाद में इसको थोड़ा सा हम रोटेट करेंगे। तो आप रोटेट हमको थोड़ा सा ऐसा करना है कि 3D वाला लुक आए, थोड़ा ये इस टाइप से हमने कर दिया इसको। अब इसके बाद में हम थोड़ा इसमें कैमरा में मूवमेंट भी करेंगे। अब ये चीज़ें जो हैं 3D नहीं दिख रही, 2D लग रही हैं, तो इनको भी हम थोड़ा ऐसा रोटेट कर देंगे जो कि हमको ऐसे देखने में जो 3D लगे। तो हमको एक्स एक्सिस को जो है ये देखे, अब इसको हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं समथिंग 55। तो सभी को हम रोटेशन में जा करके जो फर्स्ट वाली है तो इसको हम रोटेट कर देंगे। तो ये देखे, अभी ये क्या थे, नीचे की साइड थे, अब हमने इनको ऊपर की साइड कर दिया है, तो लुक यहाँ पे थोड़ा सा हमारा जो है 3D आ रहा। तो अब इसमें भी थोड़ा सा हम ड्रॉप शैडो डाल देते हैं ताकि हमारा लुक एंड फील पूरा फुल आपको ऐसा देखने मिल रहा है कि ये फुल 3D वाला इफेक्ट यहाँ पे हमने जो है क्रिएट कर लिया है। तो यहाँ पे हमने ड्रॉप शैडो जो है कॉपी कर ली है और इन सभी में हम जो है पेस्ट कर देंगे कि थोड़ा सा इसको और एडजस्ट करते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे गड़बड़ हो चुकी है हमारी कि हमने जो लेयर बनाई थी सेप लेयर तो वो नहीं दिखाई दे रही। तो अब उसको सिंपली हम क्या करेंगे, जेड एक्सिस से थोड़ा सा इसको हम ऊपर उठा देंगे। तो ये हमारी जो लेयर है ऊपर आ चुकी है, क्या मैप के नीचे दब गई थी थोड़ा सा, तो वो हमने ऊपर उठा दी इसको, क्योंकि हमने 3D में कन्वर्ट किया था ना, तो इसलिए वो थोड़ा सा नीचे दर चली गई थी। तो हमने इसको ऊपर उठा दिया तो ये ऊपर आ चुकी है। तो यहाँ पे आप हमारा जो है एनिमेशन पूरा दिखाई दे रहा है। अब इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम स्केल और पोजीशन यहाँ पे थोड़ा सा इसको करेंगे कैमरा मूवमेंट देने के लिए। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे हम आते हैं और एक की फ्रेम लगाते हैं स्केल की और इसको थोड़ा सा और जूम इन करते हैं। पोजीशन पे की फ्रेम लगा देंगे, थोड़ा सा पोजीशन को थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं हम, ये पोजीशन पे लगा दिया हमने। अब इसके बाद में ये उज्जैन गया, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं हम, इसकी जो पोजीशन है थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। उज्जैन इंदौर यहाँ पे दिखाते हैं, उज्जैन यहाँ पे दिखाते हैं। तो ये देखिए यहाँ से क्या, फिर इसके बाद में यहाँ पे आया और यहाँ से ऐसे मूवमेंट स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे हमने पोजीशन पे की फ्रेम लगा दी और स्केल पे भी हमने की फ्रेम लगा दी और फिर ये जैसे मूवमेंट स्टार्ट होता है तो इसको हम पोजीशन को मूव करेंगे। तो ये थोड़ा सा हमने पोजीशन पे मूव कर दिया और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो फिर आगे हमारा जा रहा है कैमरा, तो आगे फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए हमारा कुछ ऐसा एनिमेशन क्रिएट हो चुका है। तो इसकी पोजीशन थोड़ा सा हम सही कर लेंगे, थोड़ा ये पोजीशन
तो इसको हम इजीज कर देंगे और ये हमारा जो है फाइनल जो है एनिमेशन जो है 3D एनिमेशन जो है हमारा क्रिएट हो चुका है। तो ये देखिए कुछ ये इस टाइप का एनिमेशन जो है हमारा क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे आप साउंड इफेक्ट वगैरह और जो भी आपका जो मैप है उस हिसाब से आप इसको जो है एनिमेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा एक 2D से हमने 3D लुक देने की यहाँ पे कोशिश करी है कि एक 2D मैप जो होता है तो उसकी जगह हम थोड़ा सा उसको 3D में कन्वर्ट करें, तो वो हमने यहाँ पे कोशिश करी थोड़ा सा करने की। और जितना ज़्यादा आप इसमें टाइम देंगे उतना अच्छा जो है एनिमेशन आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करना है कि आपको और क्या क्या चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं। अब इसमें भी हम और यदि टाइम दें तो और भी अच्छा एनिमेशन जो है यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं। बट वही चीज़ है कि आपको करते करते प्रैक्टिस होगी, तो आप बनाना सीखें। और जैसे कि कोई ट्रैवल ब्लॉगर है तो वो इस टाइप का एनिमेशन यूज़ करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा वीडियो में एक लुक आ जाता है। आइयो फ्रेंड्स, आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो और कोई भी एनिमेशन यदि सीखना चाहते हैं तो नीचे हमें कमेंट में बताइए, तो हम उसके ऊपर वीडियो जल्द लेकर के आएंगे। मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बी क्रिएटिव।